रशिया ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम को बहुत ज्यादा तेज कर दिया है, जिसमें इस मिसाइल का नाम है जिरकॉन। और ये बस 2 महीने बाद ही ऐसी खबर आ रही है, क्योंकि 2 महीने पहले रशियन नेवी ने इस मिसाइल को टेस्ट किया था एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से। नवंबर 3 को ही व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि जिरकॉन मिसाइल कम्प्लीटली तैयार होने वाली है, और पुतिन ने साथ ही ये भी क्लियर कर दिया था कि रशियन नेवी के पास ये मिसाइल 2022 तक आ जाएंगी। अभी रशियन नेवी के प्लान्स कुछ ऐसे हैं कि एक सबमरीन अंडर देयर प्रोजेक्ट 885M और जिरकॉन मिसाइल दोनों को एक साथ डेवलप कर रहे हैं और ये इनको एक साथ टेस्ट करेंगे। अब एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये मिसाइल रिडार्स को इवेड कर सकती है, तो इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि जिरकॉन एक मल्टीपर्पज हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसको डिजाइन किया गया है सी और ग्राउंड टारगेट्स को हिट करने के लिए। ये साउंड की रफ्तार से 9 times स्पीड से उड़ सकती है ओवर द रेंज ऑफ 1000 किलोमीटर। रिपोर्ट ये भी बताती है कि इंडिया रशिया का जो ज्वाइंट वेंचर है ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर, ये भी जिरकॉन की तरह ही कुछ एक जैसा होने वाला है। हाइपरसोनिक मिसाइल एक ऐसा एरिया है जिसमें रशिया यूएसए से आगे है और इसका फायदा इंडिया को भरपूर तरीके से उठाना चाहिए ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल के वेंचर के माध्यम से। और ये है वीडियो का। जय हिंद।